साल 2020 तारीख 3 नवंबर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में जो बाइडन को 306 वोट मिले और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट। बाइडन ने ट्रंप को 74 वोट से हराते हुए अमेरिका की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हार मिलने के बावजूद भी ट्रंप से ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। ट्रंप ने चुनाव में हुई वोटिंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटिंग में हुई काउंटिंग में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। इस दौरान ट्रंप ने अमेरिका के कई राज्यों में केस दर्ज करवाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें 2021 में 6 जनवरी को अमेरिका की संसद में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर जैसे ही मुहर लगी, वैसे ही करीब 1:30 बजे के आसपास ट्रंप के समर्थकों ने संसद के बाहर लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए हमला करना शुरू कर दिया। संसद के बाहर मौजूद पुलिस और गार्ड्स उन लोगों को कुछ समझा पाते, उससे पहले ही ट्रंप के समर्थक संसद के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी HOR की तत्कालीन स्पीकर नैंसी पॉलिसी की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। सूचना मिलने पर स्पेशल फोर्स, मिलिट्री और पुलिस संसद पहुंची और वहां चल रही हिंसा को काबू किया। करीब 1:30 बजे से शुरू हुई हिंसा शाम 5:30 बजे तक जाकर खत्म हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा से जुड़ी कुछ मुख्य बातें सामने आई, जिसमें बताया गया कि हिंसा शुरू होने के करीब 187 मिनट बाद भी ट्रंप हिंसा को रोकने के बजाय अपने डाइनिंग रूम में आराम से बैठकर टीवी पर हिंसा देख रहे थे। अब इस बात से ये तो साफ हो गया कि हिंसा पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी, मतलब हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। बता दें ट्रंप ने लॉ एनफोर्समेंट और नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हिंसा को रोकने के लिए मदद तक नहीं मांगी। ट्रंप ने तो ये बात स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि उनके समर्थकों ने संसद पर हमला करते हुए वहां के नियम और कानून को तोड़ा है। उन्होंने समर्थकों की भीड़ को देशभक्त बताया, साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि वो इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे, इस दिन को वो हमेशा याद रखेंगे। 6 जनवरी 2021 को हुई हिंसा का जिम्मेदार अमेरिकी स्टेट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत लिया गया है, जिससे अब ये साफ हो गया कि ट्रंप का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा, जिसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को देखने को मिलेगा। तो वही दूसरी ओर ट्रंप का कहना है कि कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले में राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ है। वो 2024 में होने वाले चुनाव में बाधा डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चुनाव हारने वाले हैं और जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अमेरिका के संविधान का उल्लंघन भी कर सकते हैं। बता दें ट्रंप के स्पोक्स पर्सन की ओर से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में जो बाइडेन की ओर से जो बाधा डाली जा रही है, उसमें बाइडेन को जॉर्ज सोरोस का समर्थन मिल रहा है। जॉर्ज सोरोस वही अमेरिकी अरबपति है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भारत में जल्द ही एक लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जताई थी, जिसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोरोस को बुड्ढा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक इंसान बताया था। 2021 में 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा कोई दुर्घटना नहीं थी, ये हिंसा पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप का अंतिम स्टैंड था। ट्रंप ने संसद में हिंसा भड़काते हुए दंगों को अंजाम दिया है, जिससे अमेरिका में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला सिर्फ अमेरिका के कोलोराडो राज्य में ही लागू किया गया है। फिलहाल इस फैसले में अभी अपील आना बाकी है, इसलिए इसे 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले में अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।